इतने ही अभी हम लोग अररिया में है और अररिया में महिला विकास मंच के बिना मानवी मैम आई हुई है और आरती से मिलने आई थी और आरती और छोटू के बारे में जानने आई थी कि क्या सच मामला है और कहीं ना कहीं छोटू को जो है परिवार वाले जो है आरती के परिवार वाले बिरहमी से मारे थे। तो आप आरती से मिली, आरती क्या कुछ कही? आरती का बस अभी फिलहाल एक ही डिमांड मैम है और महिला विकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे और आरती और छोटू के बारे में बातचीत किए हैं। अभी आरती और छोटू के जो सारे सच्चाई है उसको जानने के लिए आई थी और न्याय दिलाने के लिए आई थी। अब देखना यह है कि आरती को कब न्याय मिलता है और छोटू के परिवार वालों को कब न्याय मिलता है। अभी ये बिना मानवी मैम है, अभी देखिए गाड़ी में बैठ गए हैं, अभी लोग जाएंगी। अब यही देखना है कि छोटू के जो परिवार वाले हैं, जैसे यहाँ पर लोग खड़े हैं, ये उनके नाना जी हो गए और उनके दोस्त हो गए, उनके और भी परिवार वाले लोग हैं, इनको छोड़ने आए रोड तक। लेकिन देखना यह है कि बहुत सारे नेता लोग आ भी रहे हैं, भाषण देके जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ के स्थानीय विधायक तक अभी तक देखने नहीं आए हैं कि ये क्या मामला है। इतना बड़ा मामला हो गया है जो पूरे भारत में ये चीज़ें चल रहा है, आरती छोटू सभी जगह आए हुए हैं, लेकिन इसके लिए कोई उनकी न्याय और हक की आवाज़ के लिए आवाज़ अच्छी तरह से नहीं उठा रहा है। अगर ये चीज़ होता तो जितने भी अपराधी ये किए हैं सबको सज़ा अभी तक मिल गया होता, सब लोग गिरफ्तार हो गए होते, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग की गिरफ्तारी हुई है। आर्या से नमस्कार, जय हिंद।